another documentary to be displayed from Fatima Jinnah Medical College, and it was in a queue. So then we will end our segments, and results would be announced after the keynote segment. And good luck to everyone. उम्मीद बहुत बड़ी चीज है. अगर उम्मीद मर जाए तो इंसान खत्म हो जाता है. मायूसी और नाउम्मीदी दर हकीकत इंसान को ज़िंदगी के लुत्फ से इस हद तक नाआशना कर देती है कि वो अपनी ज़िंदगी लेने के दर पे हो जाता है. ख़ुदकुशी हमारी ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है. ख़ुदकुशी के बहुत से अवामिल हो सकते हैं. देखा गया है 90% लोग जो ख़ुदकुशी करते हैं वो किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं, और बर वक्त इलाज से उनको बचाया जा सकता है. ख़ुदकुशी की इब्तदाई अलामात में से कुछ ये हैं. वो लोग जो ख़ुदकुशी का इरादा रखते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते नज़र आते हैं. मेरा दुनिया के अंदर दिल नहीं लगता, मेरे बग़ैर भी तो दुनिया चल रही है, मेरा दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है. ऐसे लोग अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के सामने अक्सर औकात अपने आप को ख़त्म करने की धमकी देते हैं. वो लोगों से पूछते हैं या इंटरनेट पर ख़ुदकुशी करने के तरीके सर्च करते हैं और इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी करते हैं. अक्सर औकात ख़ुदकुशी की वजह ज़हनी बीमारी होती है, जिनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या ड्रग्स का इस्तेमाल शामिल है. कुछ अलामतें ऐसी होती हैं जो ये बता रही होती हैं कि ये शख्स ज़हनी बीमार है और मुनासिब इलाज की ज़रूरत है, और इलाज ना मिलने की सूरत में मामला ख़ुदकुशी की तरफ जा सकता है. अगर कोई शख्स किसी चीज़ में दिलचस्पी महसूस नहीं करता और वो चीज़ें जो उसके लिए पहले खुशी का बायस थी अब खुशी का बायस नहीं रहीं, अगर किसी शख्स का मिजाज दिन के ज़्यादातर वक्त में उफसुरदा रहता है और खुशी देने वाली चीज़ें भी उसके मिजाज को खुश नहीं करती, अगर किसी शख्स के मिजाज में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है या वो बग़ैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा खौफजदा महसूस करता है, अगर किसी शख्स ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना छोड़ दिया है और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, अगर किसी शख्स को अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आते हैं या फिर उसको अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है और वो गुस्से में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका है और उसके मसलों का कोई हल नहीं रहा, अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी महसूस होती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि आने वाला वक्त भी कोई बेहतरी नहीं लेके आएगा, अगर किसी शख्स को भूख महसूस नहीं हो रही और भूख में कमी के बायस उसके वज़न में वाज़िया तब्दीली आई है, अगर किसी शख्स की नींद बहुत मुतासिर हुई है, उसे या तो नींद आती नहीं है, अगर नींद आ भी जाती है तो सारी रात करवटें बदलता रहता है, और सुबह के वक्त जब उठने का वक्त होता है तो बहुत थका हुआ होता है, ऐसे लगता है जैसे नींद नहीं पूरी हुई, अगर किसी शख्स की रोज़मर्रा की मामूलात में वाज़िया तब्दीली आई हो, अब उसकी कारकर्दगी पहले जैसी ना रही हो और वो रिश्तेदारों और दीगर अफराद से कटा हुआ रहता हो, और अगर कोई शख्स किसी किस्म की ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप में या आपके किसी जानने वाले में इन अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद है तो इस बात का इम्कान है कि वो किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है. इन अलामात को नज़रअंदाज मत कीजिए और किसी माहिर नफ्सियात से राबता कीजिए ताकि मसला हल हो सके, क्योंकि मसला अगर हल ना हुआ तो पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं और मामला ख़ुदकुशी तक जा सकता है. ख़ुदकुशी एक हकीकत है और बरवक्त मदद और इलाज से इसको रोका जा सकता है. अगर आपके पास आपका कोई जानने वाला अपनी जान लेने की बात करता है तो खुदारा इसे नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि बरवक्त तिब्बी इमदाद से उसकी जान बचाई जा सकती है.